नमस्ते भारत में एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करेंगे महत्वपूर्ण खबर की। पेट्रोल डीजल आज फिर महंगा हो गया है और इसी महंगाई को लेकर कांग्रेस के नेता मोदी सरकार को घेरने के चक्कर में मर्यादा ही भूल गए और विवादित बयान दे दिया। राजू भाई स्मृति ईरानी बहुत याद आ रही तुमको कई बात की डोगरी हुई क्या। ये है अरुण यादव, मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण कमलनाथ के साथ खंडवा लोकसभा उपचुनाव में प्रचार के लिए पंधाना पहुंचे थे। यहां इन्हें कांग्रेस के उम्मीदवार ठाकुर राज नारायण सिंह के लिए वोट मांगा था, लेकिन महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने के चक्कर में इनकी जुबान ऐसी फिसली कि खुद मुद्दा बन गए। राजू भाई स्मृति ईरानी बहुत याद आ रही तुमको कई बात की डोगरी हुई क्या। दरअसल जिस वक्त अरुण यादव जनसभा को संबोधित कर रहे थे, भीड़ में मौजूद एक कांग्रेसी कार्यकर्ता ने पूछ लिया कि कहां गई स्मृति ईरानी जो महंगाई पर भाषण दिया करती थी। इसके जवाब में अरुण यादव ने निमाड़ी भाषा में कहा कि वह तो डोकड़ी बड़ी गई, यानी वो अब बूढ़ी हो गई हैं। भाजपा के लोग पेटी टपला लेके गाना गाते थे, क्या गाना गाते थे, महंगाई डायन खाए जात है। अब बताइए धीरे रुक तो जा जरा। राजू भाई आप 2021 आ गया है। राजू भाई स्मृति ईरानी बहुत याद आ रही तुमको कई बात की डोगरी हुई क्या। अरुण यादव यही नहीं रुके, इन्होंने महंगाई को लेकर हेमा मालिनी पर भी अशोभनीय टिप्पणी कर दी। पेट्रोल का भाव 116 रुपया, डीजल का भाव 109 रुपया, तब भाजपाई क्या कहते हैं, हमारे जमाने में महंगाई डायन थी और इस सरकार में महंगाई अप्सरा बन गई है, हेमा मालिनी बन गई है। अपनी दो वरिष्ठ महिला नेताओं पर इस टिप्पणी से बीजेपी भड़की हुई है। मध्य प्रदेश बीजेपी ने ट्विटर पर इस भाषण को अपलोड कर पूछा है कि महिला सम्मान की बात करने वाली प्रियंका गांधी क्या अपने इस नेता पर कार्रवाई करेंगी। ABP News आपको रखे आगे।